संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2022 के अंतिम परिणाम मंगलवार दोपहर जारी किए। बालाघाट से इस बार लांजी तहसील के ग्राम भुरसा डोंगरी की पल्लवी विजय वंशी ने 933 में से 730वीं रैंक हासिल करने में सफलता अर्जित की। लांजी जिले का घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र इसे माना जाता है। ऐसे क्षेत्र से पल्लवी ने सबसे मुश्किल परीक्षा मानी जाने वाली UPSC की परीक्षा में सफलता हासिल। परीक्षा का परिणाम आने के बाद पल्लवी के परिवार में खुशी का माहौल है। पल्लवी के पिता CL विजय वंशी लांजी में ही सावरी खुर्द में शासकीय विद्यालय के प्राचार्य के पद पर वे पदस्थ हैं। वहीं उनकी माता हेमलता विजय वंशी गृहिणी है। पल्लवी के मामा नरेंद्र धुआरे ने बताया कि पल्लवी बचपन से पढ़ाई में होशियार है, उसने कड़ी मेहनत से इस सफलता पाई है। पल्लवी की बड़ी बहन पायल धवाड़े की शादी हो चुकी, वर्तमान में महाराष्ट्र के तिरोड़ा के बड़े गांव में रहती, जबकि उनका छोटा भाई प्रशांत विजयवंशी सिविल इंजीनियर है और वह वर्तमान में प्रतियोगी परीक्षा की वे तैयारी कर रहे हैं। माँ हिमलता ने बताया कि पल्लवी पिछले 4 साल से दिल्ली में रहकर UPSC की तैयारी कर रही थी। वहीं पिता CL विजयवंशी ने बताया कि बेटी की परीक्षा नहीं बल्कि मेरी परीक्षा थी और आज मैं बेटी के साथ सफल हो गया। नरेंद्र धुवारे ने बताया कि पल्लवी ने जवाहर नवोदय विद्यालय बारासुनी से 12वीं तक की पढ़ाई की, उसके बाद उन्होंने नागपुर के एक इंजीनियर कॉलेज से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की शिक्षा हासिल की। पल्लवी सिविल सेवाओं में जाना चाहती थी, इसलिए वह पिछले 4 साल से दिल्ली में रहकर UPSC की तैयारी कर रही थी।